हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने जो स्टार्ट कर रखा है वो कर रखा है बच्चों, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो अब तक हमने पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है? ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि करंट कैरिंग वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा है बच्चों बायोट सावर्ट्स लॉ के बारे में। लाइक एस कूलम्स लॉ, हमने डीबी यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड का एक मैथमेटिकल फॉर्म निकाली, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा को, ये हमने पढ़ा। फिर हमने इसकी कुछ एक एप्लीकेशन की, एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट, सबसे पहले फाइनाइट की वजह से हमने उसका फॉर्मूला निकाला, फिर इनफाइनाइट के लिए देखा। फिर जो सेकेंड एप्लीकेशन थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट ए सेंटर, सेंटर पे भी निकाला, फिर हमने उसकी एक्सिस पे भी निकाला, फिर हमने उसकी एक्सिस पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला। क्लियर पॉइंट बच्चों? जो कल टॉपिक किया था थोड़ा बहुत समराइज उसके बारे में कर लेते हैं, जो कल टॉपिक किया था थोड़ा बहुत जरूरी है उसके बारे में समझना। एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, यानी जो फोर्स है किसी चार्ज पे, अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जो फोर्स लगती है वो क्यू वी बी साइन थीटा होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। जो फोर्स है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने बताया ना, एफ इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों के डायरेक्टली, V sin थीटा के डायरेक्टली एंड B के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर पॉइंट बच्चों? ये हम पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि इस इन यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ये हम सारी बातें कर चुके हैं। आज बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर पॉइंट बच्चों? यानी कि चार्ज है अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका मोशन क्या होगा, स्ट्रेट होगा, सर्कुलर होगा या कोई और होगा, वो हमें देखना है। देखिए बच्चों, टू टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दो टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो एक होती है इनवर्ड, एक होता आउटवर्ड, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक आउटवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बच्चों? क्रॉस से, किससे डिनोट करते हैं? क्रॉस से। एंड आउटवर्ड किसे करते हैं? डॉट से। किसे करते हैं? डॉट से। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से डिनोट करते हैं। कैसे? जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है क्लॉकवाइज। कैसा होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होता है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होता है। अच्छा, अभी क्लॉकवाइज को कैसे देखते हैं और कैसे डिनोट करें? देखिए, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी में पहले क्या रहा है? एन। क्या रहा है? एन। एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन क्या होती है? वैसे तो सब बच्चों को पता होता है, लेकिन एक तरीका क्या है, जो ये ऊपर वाला सिरा है इस तरफ घुमा दो, नीचे वाला इस तरफ घुमा दो, तो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन क्या आ गई है? एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन। और जो क्लॉकवाइज होता है वो होता है साउथ, एस से डिनोट, एस फॉर साउथ, साउथ से डिनोट, यानी कि एस से डिनोट होता है। जो ये नुकीला सिरा है यहां पे एरो लगा दो, ये वाला नुकीला सिरा है यहां पे एरो लगा दो, एरो के डायरेक्शन में इसको घुमा दो, यानी कि ये किस तरफ आ गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज के लिए क्रॉस, क्लॉक, सी क्लॉक पहले क्या कह रहा है, तो क्लॉकवाइज से क्रॉस, एंटी से डॉट, एंटी से डॉट, एंटी क्लॉकवाइज से डॉट। यानी कि जब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा तो क्रॉस, एंड जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो डॉट, तो डॉट। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो देखिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बच्चों, हमारे पास एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा है?
क्रॉस है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। आप यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हो, यानी कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में आप समझ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्रॉस लगाना ही जरूरी है। ये सारा कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब रहता है हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, सेम। ओके, जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है, यानी कि जैसे कोई क्यू चार्ज है एक परपेंडिकुलर, देखिए ध्यान समझिए, सपोज करो बरसात हो रही है, सपोज करो बरसात हो रही है, और हमने क्या कर रखा इस छत में, यानी कि जो जहां पे भी आप बैठे हैं तो साफ सी बात है छत के नीचे बैठे होंगे, सपोज करो छत में सुराख रखें और बराबर बराबर, मतलब कि बराबर बराबर हर जगह सुराख कर रखें और ऊपर से पानी डाल दिया, तो क्या होंगी जो बूंदे होंगी, जो ड्रॉप्स होंगी, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आएंगी इस फर्श पे, जो जिसपे आप, जिसपे मैं खड़ा हूँ, इस फर्श के बिल्कुल परपेंडिकुलर आएंगे। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इमेजिन करो ऐसे आ रहा है, डाउनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, किस तरफ है? डाउनवर्ड है। और कोई इस दरवाजे से, मेरे राइट हैंड में यहाँ पे कोई दरवाजा है, तो दरवाजे से कोई इस तरीके से तिरछा, यानी किसी एंगल पे, ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। जैसे ये तो अभी चार्ज की डायरेक्शन, ये क्या होगी? चार्ज की डायरेक्शन। और ये क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर, बिल्कुल डाउनवर्ड आ रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो मैं बता रहा हूं, सुनो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, तो जो उसकी मोशन हो जाती है वो कैसे हो जाती है? कैसे करेगा? सर्कुलर। कैसे जाएगी? सर्कुलर मोशन में अपने आप को रोटेट, मतलब कि घुमाना स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन में, उसका पाथ आ जाएगा, उसका पाथ हो जाएगा सर्कुलर हो जाता है। यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो जो उसका पाथ होता है, जो उसकी मोशन होती है, कैसे होती है? सर्कुलर। कैसे होती है? सर्कुलर। अभी कैसे होती है? अब ये होती कैसे, इट इज नोट करो बच्चों, ध्यान से सुनिए। जैसे ही चार्ज पार्टिकल है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही इसके अंदर जाएगा, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे इसके अंदर आया, इसने क्या कर दिया? यहां पर टकराया मैग्नेटिक फील्ड, इस चार्ज पार्टिकल पर टकराया, तो ये क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे डाउनवर्ड होगा तो ये क्या करेगा? रोटेट। क्या करना स्टार्ट करेगा? हर पॉइंट पे क्या मिलेगा इसको? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। हर पॉइंट पे क्या लगेगी इसके ऊपर? एक फोर्स। हर पॉइंट पे क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी। हर पॉइंट पे एक फोर्स लगेगी, और हर पॉइंट फोर्स लगेगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोर्स लगेगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर पॉइंट। किसमें आ जाएगा? सर्कुलर पाथ में। किसमें आ जाएगा बच्चों? सर्कुलर पाथ में। यानी कि जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा होता है? कैसा होता है बच्चों? सर्कुलर पाथ। कैसा होता है? सर्कुलर पाथ। फिर पॉइंट बच्चों, आई थिंक आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जो हमने पढ़ना है, देखिए देखिए, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाए तो पाथ सर्कुलर। एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो पाथ सर्कुलर। जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ, इसलिए इसको धीरे धीरे करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो साइक्लोट्रॉन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो सारा इसी के बिहाफ पे होगा, सारा इसी के अनुसार चलेगा, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो पाथ सर्कुलर, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के पाथ स्ट्रेट। पाथ कैसा? स्ट्रेट। ये तो कॉमन सेंस है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर चार्ज भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, चार्ज भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, साफ सी बात है वो कैसे जाएगा? स्ट्रेट। कैसा होगा? स्ट्रेट। तो बच्चों इस बात को दिमाग में बिठा लो कि जब भी पार्टिकल की मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो सर्कुलर, और पैरेलल तो स्ट्रेट। ओके, ठीक है बच्चों। अब सपोज करो ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है, क्यों? इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी कितनी है v?
चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे, किसी भी एंगल पे, ना तो परपेंडिकुलर, ना तो परपेंडिकुलर और ना ही एंगल जीरो पर, यानी कि पैरेलल, ना तो पैरेलल ना परपेंडिकुलर एंटर करता है, ये किसी एंगल पे करता है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो कहां पे है? किसी भी एंगल पे। तो क्या होगा बच्चों, जैसे हमने कल किया था, इस वी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस वी के दो कंपोनेंट हो गए, जिस डायरेक्शन जहां पे थीटा बना है वो क्या हो जाएगा वी कोस थीटा, और जहां पे थीटा नहीं बना वो क्या हो जाएगा वी साइन थीटा, क्या हो जाएगा वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के दो, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, मोशन के दो कंपोनेंट है वी कोस थीटा एंड वी साइन थीटा। इट इज नोट करो, वी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वी कोस थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट पैरेलल है, यानी कि इस वेलोसिटी की वजह से पाथ कैसा होगा सर्कुलर, पाथ कैसे होने वाला है सर्कुलर, इस वेलोसिटी की वजह से पाथ सर्कुलर और इस वेलोसिटी की वजह से पाथ स्ट्रेट, पाथ स्ट्रेट, पाथ स्ट्रेट। इस वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ सर्कुलर और वेलोसिटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ स्ट्रेट। क्लियर पॉइंट बच्चों, इट इज नोट करो, एक पार्टिकल या तो वो सर्कुलर चक्कर काट सकता है बिल्कुल सर्कल है सर्कल, या स्ट्रेट जा सकता है। यहां पे क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है, सर्कुलर प्लस स्ट्रेट, सर्कुलर प्लस स्ट्रेट, यानी कि यहां पे दोनों का एडिशन होगा, दोनों का एडिशन होगा, यानी कि पार्टिकल स्ट्रेट भी होगा और सर्कुलर, स्ट्रेट भी होगा और सर्कुलर भी होगा। देखिए बोलिए ध्यान से, पाथ कैसा है सर्कुलर, पाथ कैसा है पहले ध्यान से देखिए, स्ट्रेट, पाथ कैसा है ये स्ट्रेट, स्ट्रेट, फिर कैसा है सर्कुलर, फिर कैसा है स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर प्लस स्ट्रेट। अगर पैरेलल है पार्टिकल तो सीधा सा बात है, सीधी सी बात है कि पाथ स्ट्रेट होगा, अगर परपेंडिकुलर तो सर्कुलर होगा, अगर किसी भी एंगल पे है, यानी जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी आ गई, बजे सर्कुलर भी और स्ट्रेट भी हो, तो पाथ कैसा होगा हेलिकल, कैसा होगा हेलिकल, ये कैसा पाथ है बच्चों हेलिकल पाथ, कैसा है हेलिकल पाथ। और अगर ये सर्कुलर पाथ है तो इसकी क्या होगी रेडियस आर, रेडियस आर, अगर ये पाथ सर्कुलर है तो रेडियस कैसे होगी आर। दूसरी बात, यहां से लेके यहां तक का जो गैप होता है, इसको बोलते हैं बच्चों पिच, पी आई टी सी एच, क्या बोलते हैं बच्चों पिच, क्या बोलते हैं इसको पिच, रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, यानी क्योंकि पास सर्कुलर है तो हर सर्कल का टाइम मिलेगा कुछ ना कुछ रेडियस भी मिलेगा, रेडियस भी मिलेगा। आई थिंक बच्चों जो पाथ के बारे में है, यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, आपको यहां तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस कितना होगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, यानी कि सर्कुलर पाथ में जब कोई चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमें ये पता, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमें ये पता करना है। तो ये टॉपिक हमें फाइंड आउट करना है, यहां तक आपको समझ में आ चुका है, अब हम पता करने जा रहे हैं ये सारी चीजें। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, F is equal to क्या था, QVB sin theta, F is equal to QVB sin theta, यानी कि चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है कितनी लगती है QVB sin theta, हमने आज जब लेक्चर स्टार्ट किया था थोड़ा वो समराइज किया था इसको, QVB sin theta, F theta is equal to 90, क्योंकि पाथ कैसा है सर्कुलर, सर्कुलर पाथ के लिए जब सर्कुलर पाथ है तो चार्ज कैसे एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो थीटा 90, sin 91, sin 91, QB, F is equal to m square पाया। देखिए अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स QB, और वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है सर्कुलर, सर्कुलर पाथ जब भी कोई पार्टिकल,
जब भी कोई बॉडी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एम स्क्वायर बाय आर। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, दोनों सेम बात। यानी कि QVB is equal to ME square by R, B से B cancel, तो R कितना आ गया बच्चों यहाँ से, MV by BQ। यानी कि सर्कुलर पाथ में जब भी कोई पार्टिकल होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होता है जो उसका रेडियस होता है वो कितना होता है बच्चों, MV by BQ। क्लियर बैंड बच्चों, हमें निकालने वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसको उठा के सर्फ ले जाओ, V is equal to RBQ by M। V is equal to कितना आ गया, RBQ by M, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, RBQ by M, हमारी क्या निकलेगी बच्चों, वेलोसिटी। हमारे पास वेलोसिटी आ गई, अब हमें निकालना टाइम पीरियड। क्या निकालना बच्चों, टाइम पीरियड। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr/T। कैसे, अगर ये पाथ सर्कुलर है जैसा क्या होगा रेडियस, तो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, सर्कल की सर्कमफेरेंस वो हमें क्या बताती है, कितना पाथ फॉलो किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr डिस्टेंस देखनी है सर्कल की, पूरा लेंथ देखनी है, तो 2πr सर्कमफेरेंस की वैल्यू 2πr/T। तो T कितना आ गया यहां से, 2πr/V, 2πr/V, 2πr V की वैल्यू, V के लिए पुट कर दो, R से R कैंसिल, यानी कि 2πm/V, 2πr/2πm/V। हमारा रेडियस निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, एंड रेडियस निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, एंड टाइम पीरियड निकल गया। देखिए बच्चों, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, क्योंकि साफ सी बात है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो जो उसको फोर्स मिलेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका कारण कौन होगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स V से V कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई, आर क्या है तुम्हारे पास, V की भी आ गई, V की पता चल गई, तुमने टाइम पीरियड निकाल लिया। अब क्या आया बच्चों, फ्रीक्वेंसी, क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि BQ by 2πm। ओके, हमें निकालनी है बच्चों क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम स्क्वायर, हाफ एम, वी की वैल्यू आर बी क्यू बाय एम का होल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी निकालनी था बच्चों 1/T, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड पर दो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ ऑफ एम स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट कर दी आर बी क्यू बाय एम, यानी कि हाफ ऑफ, हमें टाइम पीरियड रफ कर रहे हैं, टाइम पीरियड हो चुका, कहीं मिक्स ना कर रहे हैं आप, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय एम पर स्क्वायर। ये हमारे क्या आ गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है। तो बच्चों मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म का टॉपिक जो हमारा पूरा होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसके आगे साइक्लोट्रॉन। जो हमने अब तक पढ़ा है, जो हमने अब तक ये पढ़ा, आज का टॉपिक पढ़ा है, ये सारा यूज होगा उसके अंदर, साइक्लोट्रॉन। हाँ तो बच्चों साइक्लोट्रॉन, देखिए साइक्लोट्रॉन की जो सबसे पहले हम ये पता करेंगे साइक्लोट्रॉन काम कहाँ पे आता है, हमें जो टॉपिक है हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है, जो टॉपिक हमने पिछला किया बिल्कुल यहाँ पे सारा यूज हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन इट्स अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है यूज टू एसोलेट, जो कि एसोलेट कराने काम आता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं साथ साथ में, नॉर्थ साउथ। इसमें क्या होते हैं मतलब बच्चों, दो डीज होती है, दो डीज है, डी वन एंड डी टू, डीज की शेप का, जैसे
आपने बहुत सारे ट्राइंगल्स वगैरह डीज का यूज किया होगा, टू डीज होगी इसके अंदर, डीज डी वन एंड डी टू, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है इसके अंदर, अगर ये डीज मैग्नेटिक फील्ड में रखी है नॉर्थ और साउथ के बीच में रखी, जैसे ये दीवार नॉर्थ ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। आप यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे आप यहाँ पे डॉट दिखा लीजिए, चाहे आप यहाँ पे क्रॉस दिखा लीजिए, वो आपका मर्जी है। यहाँ पे आप डॉट दिखाएंगे तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर क्रॉस दिखाएंगे तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस से डिनोट कर दिया, मैं यहाँ पे डॉट से डिनोट कर देता हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। मतलब जब चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल दिखाई देगा अच्छे से। हम डॉट से दिखा लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होती है, 2Ds है, D1 एंड D2, D1 D2। और जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड, क्योंकि डॉट से डिनोट कर रहा है। और दोनों Ds को कनेक्ट किया गया है यहाँ पे HFO से, HFO हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसका काम क्या होता है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है दो Ds के बीच में, ये क्या है, इसके अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस HFO का काम है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक फील्ड डीज के गैप पे। और जो गैप होता है दो डीज के बीच में, जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल ना के बराबर होता है, एक बाल की मोटाई जितना गैप होता है। अब आप देख सकते हैं कितना गैप होता होगा, एक बाल की मोटाई जितना गैप होता है, बिल्कुल बहुत बहुत ही कम गैप होता है। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना HFO का काम है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो बड़े बड़े हम क्या लगा रखे हैं, मैग्नेट लगा रखे हैं नॉर्थ एंड साउथ के, और बीच में क्या दो डीज हैं जिसके अंदर आउटवर्ड मैग्नेट फील्ड, जिसको हमने डॉट से डिनोट किया है। दोनों डीज के बीच में बच्चों क्या होता है, एक प्लस एस, प्लस एस का मतलब यहाँ पे है प्लस सोर्स चार्ज, यानी कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज। कौन सा, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। दो डीज के बिल्कुल बीच में एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखा हुआ है। फिर पहले बच्चों अपनी यहाँ पे आई जो हमने लिखा हुआ है, इट इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है साइक्लोट्रॉन, यूज्ड टू एसरलेट, जो एसरलेट करा सके, जो एसरलेट कराए। एसरलेटेशन का मतलब होता है जो फोर्स दे और उसको एसरलेशन कर, मूव कराए। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और एसरलेशन किसको कराना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं आ सकता, ये इसकी लिमिटेशन है, जो कि हम लिमिटेशन में देखेंगे। एक ऐसे डिवाइस जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एसरलेट कर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे लाइक किसकी तरह होंगे, अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, ड्यूट्रॉन हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, पर लेकिन जो कॉमन है, जो हम आमतौर पर यूज करते हैं, जो बहुत सारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, प्रोटोन, इनको एसरलेट करा है। और जो एसरलेशन है फिर उसका फायदा क्या होगा, टू अक्वायर हाई एनर्जी, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरने के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए, उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लेके आने के लिए, उसके अंदर उसको हाई एनर्जेटिक करने के लिए टू कैरी लेके आने के लिए आउट द, और उस सोच के देखिए, अगर एक प्रोटॉन है, हमने यहाँ पे एक प्रोटॉन रख रखा है, उस प्रोटॉन के अंदर हमने हाई एनर्जी भर दी, बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर क्या कर दी, एब्जॉर्ब करा दी, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर हो चुकी है, एसरलेशन करा दी, यानी चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन ने एसरलेट करवा के हमने उसके अंदर कैरी करवा दी, ज्यादा मात्रा में एनर्जी उसके अंदर कैरी हो चुकी है, बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुकी है, ठीक है। उसका फायदा हम वो यूज कहां पे करेंगे, कैरी आउट एनर्जी टू कैरी आउट द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, जितने भी न्यूक्लियर, बहुत सारे आपने सुने यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, इनको क्या करना है, उनका डिसइंटीग्रेशन कराने में यूज होता है एंड एटम स्मैशिंग एक्सपेरिमेंट। जितने भी ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, एक हाईली एनर्जी का पार्टिकल बना, जैसे प्रोटॉन हाईली एनर्जी का पार्टिकल बन चुका है, उसको उठा के कहां पे गिराएंगे, न्यूक्लियस पे अलग अलग न्यूक्लियस पे, जैसे भाई न्यूक्लियर का जहां पे डिसइंटीग्रेशन होता है, ये आपको समझ में आएगा।
जाएगा सेवन्थ या एट्थ, कोई ऐसी यूनिट जहाँ पे हम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जैसे, वो तो खैर हालांकि ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। ये जो डिसइंटीग्रेशन है आपको समझ में वहाँ पे आएगा कि डिसइंटीग्रेशन होता क्या है। आपको ओवरऑल बताऊँ तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या, तोड़ना, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, और डिसइंटीग्रेट तोड़ना, मतलब जैसे हैवी बेबी ब्लेस होते हैं उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करा के कि भाई जितने भी ये हैवी एनर्जी के पार्टिकल हो जाएंगे तो उनको बम्बार्डमेंट करा के उन एनर्जी का, उन न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन कराना। तो साइक्लोट्रॉन वहां पे होता है कि चार्ज पार्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी को कैरी करना, अब्सॉर्ब कराना साइक्लोट्रॉन। और कैसा होता है ये, इसका कंस्ट्रक्शन है, दो डीज होती है, एक नॉर्थ और साउथ लगा रखे हैं, दो मैग्नेट है, दो पोल है, बीच में क्या है बच्चों, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को कनेक्ट कर रखा है HFO से, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जिसका काम क्या होता है दो डीज के गैप में, जो गैप है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देना, क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। तो ये गैप होता है बिल्कुल कैसा करना के बराबर बाल की मुठाई जितना, हेयर गैप बोल सकते हैं आप बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या होता है स्टार्टिंग में D1 क्या है पॉजिटिव एंड D2 क्या है नेगेटिव, D1 D2 क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये काम किसका है HFO का, काम किसका, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना HFO का, क्योंकि ये क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव वाला का। ओके ठीक है, ये सोर्स पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है पॉजिटिव चार्ज, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, किसकी तरफ नेगेटिव की तरफ। ओके लेकिन इट इज नॉट करो, इस डी में देखो ध्यान से, डॉटेड बने हुए, क्या बने हुए डॉटेड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है आउटवर्ड बिल्कुल बाहर की तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ है, फर्श से छत की तरफ है, बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल रहा है। और पार्टिकल कैसे एंटर करेगा परपेंडिकुलर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है लेकिन पार्टिकल तो ऐसे परपेंडिकुलर एंटर करेगा, तो साफ सी बात यह है पाथ कैसा होगा सर्कुलर। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करे तो पाथ कैसा आ रहा है सर्कुलर। ओके ठीक है, अब ये कहां पे आएगा वापसी, इस गैप के अंदर, ये गैप थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा दूर दूर रखा गया, ये वापसी कहां पे आ गया इस गैप के अंदर, जैसे ही ये इस गैप के अंदर आएगा ठीक हो गया, क्लियर पॉइंट बच्चों। देखिए यहां से लेके यहां तक का जो कर्व पाथ सर्कुलर पाथ ही अपना रहा है और वापसी इसी गैप के अंदर आ रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा ना यहां से यहां तक आने में, वापसी बाहर आने में, अपना सर्कुलर पाथ पूरा करके, जो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर पाथ बना वापसी पूरा करके इसी बाहर आएगा। तो बच्चों इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, अगर कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि इस पार्टिकल की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक होगी भाई। और यहाँ पे जो HFO है उसकी भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि देखिए बच्चों ध्यान से, इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी है म्यू पी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एंड HFO की फ्रीक्वेंसी कितनी है म्यू नोट। किसकी फ्रीक्वेंसी है HFO की फ्रीक्वेंसी एंड म्यू पी किसकी है पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। अब आगे सुनो, जितने टाइम में जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ये वापसी इसी गैप में आएगा अपना सर्कुलर पाथ पूरा करके, जैसे ही ये इस गैप में वापस आएगा जितनी फ्रीक्वेंसी से जितने टाइम में उतने ही टाइम में उतनी ही फ्रीक्वेंसी में HFO को दोनों डीज की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि जैसे ही अपना सर्कुलर पाथ सर्कुलर चक्कर पूरा करके इस गैप में वापस आके खड़ा हो जाता है, ऐसे ही उतनी ही फ्रीक्वेंसी में उतने टाइम के साथ साथ, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की वापस आने की है इस गैप के अंदर चक्कर पूरा करके इस गैप में वापस आने की है उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ HFO को डीज की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। जो पोलैरिटी वाला काम है पोलैरिटी बनाने का काम किसका है HFO का, इलेक्ट्रिक फील्ड देने का भी है और पोलैरिटी चेंज करने का भी है। ओके यानी कि ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या है म्यू पी,
पार्टिकल के बाहर आने की चक्कर पूरा करके और एच एफ ओके पोलैरिटी चेंज करने की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। क्लियर पॉइंट नंबर 2, ठीक है। जैसे ही इस गैप के अंदर आया तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। तो याद रखिए बच्चों, दो फील्ड हो गए यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का फंक्शन, फंक्शन का मतलब काम, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का काम है, मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पे काम है वो क्या है, किस चीज का है, सर पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में लेके आना और पार्टिकल को वापसी इस गैप तक पहुंचाना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन यहाँ पे पुशअप करना है। जैसे ही ये वापसी आएगा, जैसे ही पार्टिकल गैप में आया, इसको थोड़ा सा पुशअप करना है, यानी कि स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ाने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का, सर्कुलर पाथ में लेके आना पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड का। तो जैसे इस गैप के अंदर आया तो इसकी स्पीड क्या कर जाएगी, पहले से इंक्रीज, क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ओके, पोलैरिटी इंक्रीज, पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, यानी कि अब D1 क्या बन गया, नेगेटिव, D1 क्या बन गया, नेगेटिव, एंड D2 क्या बन चुका है, पॉजिटिव, पोलैरिटी चेंज कर दिया HF ने। ओके, तो अब क्या होगा, ये पार्टिकल किस में जाएगा, D1 में, D1 में जाएगा, लेकिन स्पीड इंक्रीज के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड हर बार क्या करेगा, स्पीड ज्यादा। तो जो सर्कुलर पाथ होगा कैसा होगा, ज्यादा, सर्कुलर पाथ कैसा होगा, ज्यादा बढ़ेगा, तो सर्कुलर पाथ बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा तो सर्कुलर पाथ बढ़ेगा। ओके, ये वापसी चक्कर काट के कहां पे आ गया, इसी गैप के अंदर वापस आ गया। यहां पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपनी म्यू पी फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल के साथ बाहर आया, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो वो क्या कर देगा, फिर से पोलैरिटी चेंज, यानी कि D1 पॉजिटिव एंड D2 फिर से नेगेटिव, फिर से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो सर्कुलर पाथ बढ़ेगा, सर्कुलर पाथ बढ़ेगा, ये वापसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। और दिस प्रोसेस चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, जब तक बच्चों अक्वायर, यानी जो पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन हो, यानी कि जो पार्टिकल हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है, वो अक्वायर ना करे हाई एनर्जी, हाई एनर्जी को अक्वायर ना करे, तब तक इसके अंदर वो एसरलेट होता रहेगा, हम उसको एसरलेट करवाते रहेंगे। यहां पे एक रास्ता होता है बच्चों, यहां पे क्या होता है, एक रास्ता होता है, हम उसको यहां बनाएंगे, यहां पे एक रास्ता होता है, डीएस के अंदर रास्ता होता है। जैसे ही हमको ये लगेगा कि जितनी एनर्जी चार्ज पार्टिकल को हमने कैरी करवानी थी, यानी कि वो हाई एनर्जेटिक हो चुका है, हाई एनर्जी का पार्टिकल बन चुका है, हम उसको क्या करेंगे, इस रास्ते से बाहर निकाल लेंगे। यहां पे क्या होता है, डिटेक्टर, क्या यहां पे डिटेक्टर, डिटेक्ट करने वाला, उसको डिटेक्ट करने वाला, ये पार्टिकल क्या निकल आना चाहिए, बाहर, क्या निकल आना चाहिए, बाहर निकल आना चाहिए, हाई एनर्जी हुई बाहर निकल गया उसको। आई थिंक बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। क्लियर पॉइंट बच्चों, ये सारा था बच्चों साइक्लोट्रॉन, क्या था ये, साइक्लोट्रॉन। अब हमें क्या क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बच्चों रेडियस, क्योंकि किसमें है, सर्कुलर पाथ में, तो रेडियस निकालना, वेलोसिटी निकालना, टाइम पीरियड निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी एंड काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी। बच्चों जो हम पिछले टॉपिक में करके आए हैं वही काम हमने यहाँ से फिर से भी करना है, वही काम हमें यहाँ पे फिर से भी करना है। क्लियर पॉइंट बच्चों, जैसे एफ इज इक्वल टू कितना था, क्यू वी पी, एफ इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर, क्यू वी पी बाय वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर, सेंट्रिपेटल फोर्स के, वी से वी कैंसिल, आर इज इक्वल टू कितना आ गया, एम वी बाय वी क्यू, एम वी बाय एम वी बाय वी क्यू। यहां से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, जो हमने निकाला था 2πm/bq। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से, bq/2πm। तो बच्चों जो हमने जो पिछले लेक्चर में निकाली थी, सॉरी पिछले वाले टॉपिक में निकाली थी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, सब सब ऐसे ही निकलेंगे। अब आती है बच्चों इसके लिमिटेशन की बात, इसके आगे लिमिटेशन की बात, साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन क्या। मैं बार बार ये बोल रहा था कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, क्वेश्चन ये है बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी बराबर ना हो तो, फ्रीक्वेंसी बराबर ना हो तो ये पार्टिकल चक्कर काट के यहां पे आ गया, लेकिन एच एफ की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर नहीं है,
यानी कि इसको डिले हो रहा है, ये लेट कर रहा है पोलैरिटी चेंज करने में, ये पोलैरिटी चेंज करने में एचएफओ लेट हो रहा थोड़ा सा, फ्रीक्वेंसी बराबर ना हो तो समझ लो बच्चों गड़बड़ स्टार्ट होगी, उसको बोलते हैं एवलैंच आ जाएगा, तबाही मच जाएगी। यानी कि ऐसी कंडीशन आने से पहले, ऐसी कंडीशन आने से पहले चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाना चाहिए, चाहे वो फुल जितनी एनर्जी हमें उसके अंदर अक्वायर करवानी थी हो चाहे ना हो, चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी बराबर है तो साइक्लोट्रॉन काम करता रहेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है तो साइक्लोट्रॉन डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा, और उसका क्या सॉल्यूशन है, चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालो, एसिडेटेड चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालो। दूसरी लिमिटेशन क्या बच्चों, मैंने बोला था ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने, हमने क्या एग्जांपल लिया कि जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन है कैसा है, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी बच्चों, टू बी क्यू बाई टू बाई, बी क्यू बाई टू बाई, इसका रेसिप्रोकल टाइम पीरियड रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, बी कॉन्स्टेंट क्यों कॉन्स्टेंट, टू कॉन्स्टेंट पाई कॉन्स्टेंट, तो म्यू इज इनवर्सली टू मास, मास क्लियर पॉइंट, जिसका मास कम, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत कम होता है, मास कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एचएफओ की फ्रीक्वेंसी साथ मैच नहीं करेगा। फिर समझिए हमने यहाँ पे नेगेटिव मान लिया, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिया, अगर इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन से बहुत कम होता है, अगर मास घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एचएफओ की फ्रीक्वेंसी साथ मैच नहीं होगी, तो एवलेंच आ जाएगा, तबाही हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखते हैं, नेगेटिव यानी कोई लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम नहीं रखते। दूसरा इसकी कमी क्या है कि भाई ये न्यूट्रल पार्टिकल को एसोलेट नहीं करा सकता। सोच के देखो, न्यूट्रल पार्टिकल होगा यहाँ पे पॉजिटिव, वहां पे नेगेटिव, अट्रैक्ट ही नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जब अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो वो एसोलेट नहीं करेगा, एसोलेट नहीं करेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है, उसके अंदर लार्ज एनर्जी अक्वायर नहीं होगी। तो बच्चों ये था हमारा साइक्लोट्रॉन, आई थिंक आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू, फिर मिलते हैं।